गुड मॉर्निंग, हरिओम, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। ऑसम अग्नि होत्रीज के एक और अमेजिंग ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दिस वॉज यू हैव टू सी हॉलीज फेस राइट नाउ। आई होप आई एम शोइंग हॉलीज फेस। ये हॉलीवुड अग्नि होत्री जी है, वो मेरी बिटिया रानी है, मेरी दोनों बिटिया हैं। और मैं यहाँ टेक्निकली बैठकर आपसे गुड मॉर्निंग करना चाह रही थी, जो मेरे बेटे ने बड़ी हे भगवान हॉलीवुड, यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ जेंटलमैन, यू नो। हॉली हॉली इधर देखो, हॉली, हाँ, यस, गुड मॉर्निंग। और ये लिए आपकी इश्लू पिछलू पिछतू इश्लू, तू दिख लिया कितने पाले लगले मेरे दोनों बेबी। और ये रहे मेरे हैंडसम मिस्टर, मेरा हैंडसम मिस्टर अपना पीछे कुछ काम खत्म कर रहे थे। हॉली, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, जैसा कि आप देख सकते हैं, जो आप मोस्टली होली की वजह से नहीं देख पाए, मैं अपने एप्रन में हूँ। सो आपका मेरी रसोई में, यानी कि शिल्पा की रसोई में स्वागत है। ये देखो मेरा प्यार का भूखा बेटा, ये और पीछे 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 पीछे, ओह गॉड, दिस इज द सीन इन द हाउस अभी ऑल द टाइम हमारे अरे बाप रे, और वो भी लगना चाह रही है। ये क्या हो रहा है इश्लू, क्या हो रहा है ये ये क्या कर रहा है इश्लू, ये क्या है इश्लू, दिख रहा है इश्लू क्या कर रहा है? हॉली तुम बहन की उस पर बैठोगे? चलो अब इश्लू पिछलू इश्लू को बेसिकली इशू, ये देखो हॉली बैठ रहा है इशू की। हॉली तुम नहीं बैठ सकते इशू की, गधा कहीं का। इशू का एक्सप्रेशन देखो, जैसी बड़ी होगी ना फटके मारेगी इसको कि तू क्या कर रहा है, मेरे खिलौने तोड़ रहा है। दिख रहे आंखें देखो इशू की, आंखें देखो, फेस देखो, फेस देखो। इसे कहते हैं अंदर जल कुकड़ी होना, जल कुकड़ी हो रही है अभी अंदर की, मैं कैसे हॉली को रोकूं? भाई साहब, ओए, हेलो हॉलीवुड, तुम ही कितना आ जा, आ जा, आ जा, आ जा। सो अब मैं जरा जाऊं मुंह हाथ धोऊं वापस, क्योंकि मैं तो तैयारी कर रही थी किचन में, बट अला ये लड़की भागी। हेलो, आप सबका शिल्पा की रसोई में एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं बनाने वाली हूँ, मेरी बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबली टैलेंटेड भाभी हैं, गार्गी भाभी, जो देहरादून में रहती हैं, एंड मेरे वन ऑफ माय क्लोजेस्ट, मेरे जिगर के टुकड़े भाई, मुंडो डार्लिंग, मानिक भाई की बीवी हैं। एंड गार्गी भाभी इज़ एन अमेजिंग कुक, मतलब उनके हाथ का खाना खा के ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड। तो ये रेसिपी जो आज मैं बना रही हूँ, दिस इज डेडिकेटेड टू माई डार्लिंग 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 भाभी, क्योंकि मैंने उनकी रेसिपी से इंस्पायर होके अपनी चीज़ें थोड़ी बहुत ऐड करके पिंडी छोले जो हैं वो मैं आज बनाने वाली हूँ आप लोगों के लिए। मैंने सुने हुए थे पिंडी छोले, बट मैंने खाए कभी नहीं थे। मैंने पिछले साल गार्गी भाभी के हाथ के बने पिंडी छोले खाए, एंड व्हेन आई फिगर्ड द रेसिपी, इट वॉज सो सिंपल बट सो अमेजिंग दैट आई हैव टू शेयर इट विद यू गाइज। और मैं तो खुद अपने मुँह से कहूँगी, रेस्टोरेंट से बेटर, रेस्टोरेंट से ज़्यादा टेस्टी, क्योंकि भाई हम अपने खाने की खुद इसलिए तारीफ करते हैं क्योंकि भगवान कहते हैं अगर आप खुद अपने लिए अच्छा नहीं बोलेंगे तो कोई कैसे बोलेगा। ये खाना हम सबके पेट में जाएगा, हमें हेल्दी बनाएगा, हमें अच्छा बनाएगा। सो दिस इज एन अमेजिंग रेसिपी, दिस इज अ वेरी 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 टेस्टी रेसिपी, ऑल थैंक्स टू माई भाभी जी। अब मैं फटाफट आपको दिखाती हूँ कि इसमें इन्ग्रीडियंट्स क्या है और छोटे मोटे ट्वीक्स जो मैंने अपनी तरफ से किए थे ओनली टू मेक इट माई टेस्ट लाइक अ लिटिल मोर, बट 90% ये भाभी की ही रेसिपी है। सो थैंक यू भाभी जी, आई लव यू फॉर दिस रेसिपी एंड नाउ शेयरिंग इट विद यू गाइस, ताकि आप लोग ये घर पे बनाएं अपने फैमिली के लिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको पिंडी छोले कैसे लगे। ऑलराइट, तो ऑब्वियसली क्योंकि छोले हैं तो ये मैंने छोले यहाँ पर अच्छे से उबाल दिए, भिगोए उबाले एवरीथिंग। पिंडी छोलों के लिए आपको टमाटर की ज़रूरत है। मैंने आधे किलो छोले में लिए हैं 4 to 5 मीडियम साइज़ के टमाटर, मैंने लिए एक मुट्ठी फ्रेश हरा धनिया, 3 या 4 छोटे छोटे फांक मैंने लिए हैं अदरक के, और मैंने आधी हरी मिर्ची ली है क्योंकि इश्लू भी ये खाएगी, तो लिटरली आधी हरी मिर्ची ली है मैंने।
इसमें आगे पड़ेगा नमक, जीरा, राई, अमचूर पाउडर, ऑब्वियसली हर डिश की तरह हल्दी, लाल मिर्च. लाल मिर्च मैं बहुत ही कम डालने वाली हूँ क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी काट के रखी हुई है. लाल मिर्च लिटरली लेस देन 1/4 स्पून. हींग, क्योंकि हींग एक्ट्स एज अ पाचक, सो डेफिनेटली हींग. ये है एवरेस्ट का छोले मसाला, माई गो टू. और ये है अनारदाना पाउडर जो आपको या तो किराने की दुकान पर मिलेगा, मैंने इसे ऑर्डर किया था अमेजोन से. सो यप, दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड. नाउ टू बिगिन विद फर्स्ट स्टेप, ये जो मेरे टमाटर, धनिया, अदरक और हरी मिर्ची हैं, इन्हें आधे कप पानी के साथ मैं ब्लेंडर में पूरी तरीके से पीसने वाली हूँ. सो आई एम गोना सी यू आफ्टर आई फिनिश दैट स्टेप. ऑलराइट, तो ये वो पिसा हुआ मिक्सचर है टमाटर, धनिया, अदरक और हरी मिर्ची का. दिस इज़ द कंसिस्टेंसी, मैंने काफ़ी लिक्विडी किया है. ये सारे बाकी रेडी मसाले हैं. यहाँ पे मैंने कुकर में छोले वापस चढ़ा दिए हैं. एंड इफ़ यू कैन सी, मेरी मेजरमेंट होती है 1/4 ऊपर पानी होना चाहिए. ये जो मिक्सचर है, अब मैं ये पूरा का पूरा एज इज़ लेकर अपने छोलों में ऐड करने वाली हूँ. ये आपने अच्छे से इसे मिक्स किया. And then, as I always say, as per your taste, you have to add the masalas. Okay, तो मसालों की consistency, मात्रा आपको explain करने के लिए, I'm sorry, मैं वो part shoot नहीं कर पाई because Shonu busy है and I couldn't have shot and put the masala myself. ये मेरे माफ का चम्मच है, आप इसे एक teaspoon मानिए. तो इसके हिसाब से कम नहीं तो 3 teaspoon नमक के डाले हैं. मैंने 1.5 से 2 teaspoon डाले हैं अमचूर पाउडर के. मैंने 1.5 चम्मच डाला है एवरेस्ट का छोले मसाला. और मैंने 1 teaspoon डाला है ये अनारदाना पाउडर. हल्दी मैंने डाली 1.5 teaspoon. लाल मिर्च मैंने डाली 1/4 से भी कम. सो दिस इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक. आप देख सकते हैं एक, यू नो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ऐसा लगता है जैसे पानी पूरी के पानी में आप अपने छोले बना रहे हैं. अब इसे मुझे अच्छे से पकाना है. सो व्हाट आई एम गोना डू, क्योंकि मुझे काम से निकलना है 1 घंटे के अंदर अंदर, तो मैं इसे सीटी पे चढ़ाने वाली हूँ. मैं इसे 3 सीटियाँ दूंगी, फिर मैं इसे सिम पे करूँगी, फिर मैं इसे बंद करूँगी, फिर मैं खोल के इसे 20 मिनट्स के लिए पकाऊँगी. तो आप समझ लीजिए कि आपके छोले नाना करके इन अबाउट 45 to 50 मिनट्स पक गए. और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे घर के सारे प्यारे पगले बच्चे एक साथ एकत्रित और हमारे सारे बच्चे जो हैं वो इश्लू के साथ गाड़ी बना रहे हैं. देखो भाई, हमारी बेटियों ने गाड़ी बनाई है. एक है इश्लू, जला काल दिखाना. वाह वाह, ये इश्लू ने बनाई है, ये निकिता ने बनाई है, प्लीज तुमने बनाई है. नहीं नहीं, ये बनी बनाई आई थी क्या? नहीं, ये लड़की ना झूठ बोलती है. इस ये 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 यही है वो, इसकी शक्ल देखिए और से इस लड़की की शक्ल देखिए. ये नहीं बोलती कभी. ओह माय गॉड, कभी अगर कोई पीछे से देख लेगा मेरे और पिस्तू के बीच में क्या चल रहा है. हैं इश्लू, कभी कभी निकिता हमें ऐसे देख के सोचती है कि शायद ये लोग पागल हैं. तो मैं निकिता को एक ही लुक देती हूँ, बेटा तू भी इसी ट्रक का हिस्सा होने वाली है बहुत जल्दी. सो अच्छा, ये सच में तूने बनाया है? हाँ, ये सब खुला हुआ था ना, ऐसे खुलते. देखो 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 बेटा, इश्लू बड़े होके तेरी सारी पोल खोलेगी, तू चिंता मत कर. इश्लू बड़े होके बताएगी, मम्मा आपको पता है पिस्तू ने ऐसे किया. क्या क्या बोलेगी? यस भाई साहब, आप कहाँ के बैठ गए? आजकल जो है छोटे छोटे टेंटरम्स निकलते हैं इश्लू रानी की, बड़ी हो रही है. एवरीथिंग इज अबाउट अ टेंटरम नाउ. इश्लू कहाँ कर रहा है? हाँ, हॉलू भी कह रहा है मुझे भी पाल गलो भाई, मैं भी हूँ. तुम तो ऑलवेज हॉलू, ऑलवेज. अब मेरी प्यारी बेटियाँ,
मेरे हाथ का बना खाना खाएंगी और आप सबको बताएंगी कि मैं कितनी अच्छी हूँ, कितनी प्यारी हूँ, कितना अच्छा खाना बनाती हूँ। और आज मैंने वर्ल्ड के सबसे अमेजिंग पिंडी छोले बनाए। और मेरी बेटियाँ बिल्कुल यही कही आपको, बोलो बेटा क्या कहना है, पहले खा लो, खा ले मेरे बच्चों, खा ले शुरू कर, खा ले मेरा बेबी, खा ले शुरू कर। ये तेरा हॉलीवुड भी नीचे बैठा हुआ है, तुमने उसने खाया है क्या है? बहुत अच्छा है निकिता, वैसे मेरी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। दीदी सो एक्चुअल कंफेशन, पिंडी छोले का बेसिक जो है वो ये है कि दे हैव टू बी वेरी स्पाइसी, दे हैव टू बी मसालेदार, दे हैव टू बी, दे हैव टू हैव दैट जिंग। मैं जो छोले नॉर्मली बनाती हूँ जो पिस्तों को बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं पिस्तों से कभी कभी पूछती हूँ टॉप थ्री में देखो मेरे हाथ का क्या क्या छोले। She's saying she also loves mama के हाथ के छोले। तो आज ये पिंडी छोले मैंने आप लोगों के लिए बनाए थे क्योंकि मुझे एक बार इतने अच्छे लगे, तो हमारे घर में बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, बट इसीलिए इट्स अ न्यू वन फॉर प्लिस्तू, इट्स डिफरेंट, इट्स न्यू, बट या तू बता छोले कितने अच्छे लगे? बहुत अच्छे लगे। हमारी निकिता जरा खाने की चोर है, निकिता डाइटिंग करती है, यही पता लोगों को। नहीं डाइटिंग नहीं करती निकिता, थोड़ा शी लाइक्स टू बी अ लिटिल हेल्दी। हेल्दी चलो ठीक है, हम लोग मतलब अगर पहाड़ के खा रहे हैं तो ऑन दैट नोट हमें लाइक कीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोज को शेयर कीजिए, हमें हमेशा अपना प्यार देते रहिए। हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। वी लव यू गाइस सो मच। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बाय। इसे बोले दादा।